हे गाइस, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा फैशनिस्टा। आई एम गरिमा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो एक अमेजॉन कुर्ती हॉल होने वाला है। एंड ये जो भी कुर्ती मैंने पिक की है काफी अच्छी है, अफोर्डेबल है। एंड जो अभी कमिंग जो फेस्टिवल है, लाइक गणपति हो गए, दुर्गा पूजा हो गए, करवा चौथ है, दिवाली है, ये सारे फेस्टिवल हैं एंड वेडिंग भी है, तो उस पर्पज से मैंने कुछ लिए हैं। काफी अच्छा है, अफोर्डेबल के साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपके साथ जो मैं शेयर करूंगी वो ये रेड कलर का कुर्ता सेट है, काफ़ी अच्छा है। ये अभी करवा चौथ जैसे कि आ रही है एंड आप इसको अभी दुर्गा पूजा में आप इसको वेयर कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है ये कुर्ता एंड बॉटम एंड ये दुपट्टा। ये तो इसमें तीनों सेट तीनों है, मतलब कंप्लीट सेट है। बहुत ही प्रिटी है ये रेड कलर का। आप कुछ अगर रेड कलर में लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्गेंजा आपको मिल जाता है और ऑर्गेंजा पे ये जो है थोड़ी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, तो ये थोड़ा सा एक आपको डिजाइनर मतलब एक स्लीव्स मिल जाती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, इनका जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है, जरी वर्क है, देन यहाँ पे सिक्वेंस वर्क भी है तो काफ़ी अच्छा है। देन यहाँ पे नेक जो है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, बैक साइड में प्लेन है, पूरा राउंड नेक है, पूरा प्लेन दिया हुआ है। इसकी स्लीव्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 3/4 स्लीव्स है इसकी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया इंडोइरा इसका ब्रांड है। साइज मैंने इसमें एल लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा एम अभी टाइट हो रहा है, टाइट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा मुझे कंफर्ट फील नहीं होता। आपको जो ये कलर दिख रहा है वो नेचुरल लाइट में दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, रेड कलर है, शाइनिंग वाला रेड है, काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप जो कमिंग फेस्टिवल है उसमें आप वेयर करेंगे। सो अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 1599, ऑलमोस्ट जो है 1600 का है, तो 1600 के अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगर इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम इसका यहाँ पे इस टाइप से मिल जाता है, यहाँ पे इस टाइप की लेस दी हुई है एंड अपर में ये बैक साइड में ये इलास्टिक है, आगे बेल्ट मिल जाती। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है मुझे थोड़ा सा लूज होगा क्योंकि मैंने एल साइज लिया है, तो ये मुझे आई थिंक थोड़ा सा लूज हो सकता है। एंड दुपट्टा इसका काफ़ी प्रिटी है, ऑर्गेंजा में दुपट्टा है एंड जैसे कि आपने स्लीव्स में देखा था एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, वैसे ही सेम यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। काफ़ी प्रिटी मुझे ये इसका दुपट्टा लगा एंड आप इसको मल्टीपल वे में वेयर कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपको बहुत सारे पूजा में भी बैठना होता है तो कुछ जो मैरिड वूमेन है उनके लिए काफ़ी सही रहता है इस टाइप के दुपट्टे, क्योंकि उनको दुपट्टा लेना होता है जब आप पूजा में बैठते हो, तो इस टाइप का आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप दुर्गा पूजा में यूज़ कर सकते हैं, करवा चौथ में यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपल वे में आप इस दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये येलो कलर में है एंड ये भी बहुत ही प्रीटी है, कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा है, तो दिखाते हैं आप। ये कुर्ता है एंड ये है इसका बॉटम एंड दुपट्टा, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। येलो कलर, येलो बेसिकली नहीं कहेंगे, ये है थोड़ा सा जो मेहंदी कलर होता है, जो थोड़ा सा येलोइस मेहंदी होता है वो ही कलर है एंड उस पे जो ये पिंक कलर का दुपट्टा, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। सो ये कुर्ता एंड कुर्ते में कुछ ये इस टाइप से वर्क दिया है, योक में पूरा वर्क है, बाकी प्लेन है एंड यहाँ पे ये थोड़ा नेट मिल जाता है स्लीव्स में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इस टाइप का सिक्वेंस वर्क है, जरी वर्क है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बीच बीच में आपको यहाँ पे पिंक कलर में एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा कलर है एंड ये स्लीव्स जो है 3/4 स्लीव्स हैं। तो फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक ये है कॉटन एंड वो ब्रांड है वो गॉसरिकी फैशन हाउस करके है ये, एंड इसका मैं फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ एंड इसमें जो साइज है वो मेरा एल साइज है, डाइक्लीन लिखा है यहाँ पे, तो ये डाइक्लीन होगा इसमें एंड हैंड वॉश नहीं कर सकते इसको। देन अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम इसका इस टाइप से ऊपर प्लेन आ जाता है, इलास्टिक मिल जाती है, पॉकेट भी दी हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी सही है, पॉकेट मिल जाती हैं तो। एंड नीचे भी जैसे आपको स्लीव्स में यहाँ पे डिज़ाइन मिल रही थी वैसे ही यहाँ पे ये नेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है मुझे लगा। एंड
ये दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा ये पिंक कलर में आपको मिल जाएगा। दुपट्टा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही दुपट्टा है, बट आप इसको साइड में वेयर करेंगे तो सही है ना, मतलब लेंथ वाइज सही है। बाकी कोई ज़्यादा दुपट्टे में ये देखिए, थोड़ा सा मुझे इनका ये फाइन वर्क नहीं लगा, बाकी कुर्ते में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्ता काफ़ी अच्छा है, फाइन वर्क है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बट दुपट्टा मुझे इनका अच्छा नहीं लगा। एक तो ये थोड़ा लेंथ वाइज छोटा है, दूसरा जो है जो इन्होंने यहाँ पे ये इस टाइप से डिटेलिंग दी थी वो फाइन नहीं दिख रही है, वो काफ़ी थ्रेड वगैरह निकल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बात अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है 649 है, मतलब ऑलमोस्ट 650 का पड़ रहा है ये, तो 650 में आपको सारा कंप्लीट सेट मिल जाता है। पता नहीं इसमें क्यों इन्होंने मतलब टाइपलिन के लिए दिया है, क्योंकि ऐसा इनका कोई भी वर्क नहीं है कि मतलब खराब हो जाए अगर घर में वॉश करें। फैब्रिक जो है वो कॉटन है, बस मेन है दुपट्टा, ये सिंक हो सकता है अगर आप घर पे इसको मतलब वॉश करेंगे। इस वाले सूट की बात करें तो मुझे नहीं लगता इसको अगर घर पे वॉश करेंगे तो सिंक होगा या कुछ खराब होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा काम नहीं दिया हुआ है खराब होने वाला। आप देख लीजिए नॉर्मल जो काम हर एक सूट में होता है वो दिया हुआ है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है आपको पिंक कलर की, देन यहाँ सिक्वेंस वर्क दिया, जरी वर्क दिया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसको घर पे वॉश करने से खराब हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये नेट दिया हुआ है तो नेट भी मतलब हैंड वॉश करने से खराब नहीं होता है। सो नेक्स्ट सूट की बात करें तो ये पिंक कलर का सूट है, एंड जो इसका कलर है बहुत ही प्रीटी है, इस टाइप का जो पिंक कलर होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये कॉटन में है तो कॉटन में ये पिंक बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने एक दो और भी सूट मंगाए हैं पिंक कलर में, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। एंड ये देखिए आप, ये भी कंप्लीट सेट है, ये इसका कुर्ता हो गया, बॉटम हो गया, एंड ये दुपट्टा है, तो ये भी कंप्लीट सेट है। एंड इसका इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए बहुत ही अच्छी है, एंड यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाती है, देन आपको प्रॉपर दिखाते हैं, ये कुछ इस टाइप से है, इस टाइप का इसका नेक है, देन यहाँ पे ये बटन मिल जाते हैं आपको फैब्रिक वाले, स्लीव्स इसकी 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, एंड जो भी एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही फाइन है, आप खुद देख लीजिए बहुत ही फाइन वर्क है यहाँ पे, एंड इस टाइप के छोटी छोटी बूटी दी हुई हैं, ये आप देखिए छोटी छोटी बूटी दे रखी हैं, बाकी बैक जो है वो पूरा आपको प्लेन मिल जाएगा। जो ब्रांड है वो एम्ब्रोज ब्रांड है, एंड इसमें भी मैंने साइज एल लिया है, मैंने ऑलमोस्ट सारे उसमें से एल ही साइज लिया है, तो इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन है एंड बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। देन इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम इसका एकदम प्लेन है, कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाती है, आई थिंक थोड़ा सा ये सी थ्रू हो सकता है क्योंकि ये पिंक कलर है, लाइट है, ऊपर से ये कॉटन है, तो थोड़ा सा सी थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी ये वॉश करने के बाद मे बी ये डेंस हो जाए तो ना लगे सी थ्रू, बाकी ये पूरा प्लेन है। दुपट्टे की बात करें, दुपट्टा इसका पूरा कॉटन में है, प्रिंटेड दुपट्टा है, प्रिंट दी हुई है, एंड काफ़ी प्रिटी है दुपट्टा, इस टाइप से दिख रहा होगा, मुझे काफी अच्छा लगा इसका दुपट्टा। अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल इसका कॉटन है, एंड प्राइस की बात करें तो 999 का ये सूट है, एंड 999 के अकॉर्डिंग ये सूट अच्छा है, बट हाँ एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा सी थ्रू है, अगर इसका प्राइस जो है 700 के आसपास होता तो अच्छा होता, थोड़ा सा ये मुझे प्राइसी लगा। जो नेक्स्ट है ये पिंक कलर, डार्क पिंक कलर की कुर्ती है, ये भी काफी अच्छी मुझे कुर्ती लगी, एंड इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन फैब्रिक है, थोड़ा सा रेयॉन क्या कॉटन फैब्रिक लग रहा है ये, तो ये कुछ इस टाइप से कुर्ती है, बहुत ही प्यारी है, इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाते हैं, पिंक मिल जाएगा, येलो, वाइट, ब्लैक, इस टाइप के इसमें शेड हैं, बहुत ही प्रिटी शेड हैं, एंड जो इसमें वर्क दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, एंड इस टाइप का देखिए यहाँ पे ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है, मशीन चिकनकारी है बेसिकली, ये जो इसमें पैटर्न दिया है वो काफ़ी अच्छा है, इस टाइप का दिया हुआ है, एंड नीचे जो इस टाइप की बूटी मिल जाती है, देन यहाँ पे भी आपको नीचे
वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे लेस दी हुई है, सो इसमें जो है दुपट्टा बॉटम नहीं था, ये सिर्फ कुर्ती ही आई थी। एंड अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 499 इसका प्राइस है। 500 की ये कुर्ती है, तो 500 के अकॉर्डिंग ये कुर्ती काफी अच्छी, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। ये देखिए, आपको कहीं से भी थ्रेड निकला हुआ नहीं दिखेगा। एंड जो इसका पैटर्न है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। लेस आपको यहाँ से मिल जाएगी, पूरा लेस मिल जाएगी, बहुत ही प्रिटी है, कलर बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर आपको और भी कलर लेने हैं तो आप ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सूट है वो ये पर्पल शेड में सूट है, ये भी मुझे बहुत ही प्रिटी लगा। एंड जो इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा है, कुछ इस टाइप से कुर्ता दिख रहा है। स्लीव्स इसके 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगे। एंड ये जो सूट है वो अनारकली सूट है। एंड आपको जो है ये बॉटम में इस टाइप की ये प्रिंट मिल जाएगी, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है एंड ये प्रिंट है। जो ये दुपट्टे में प्रिंट है वो सेम यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है, बाकी ऊपर जो है ये आपको योग पे ये आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी सिक्वेंस एंड जरी वर्क में। फैब्रिक इसका ब्रांड है, साइज मैंने एल लिया हुआ है। रेयॉन इसका फैब्रिक है, काफी अच्छा है, थोड़ा ठीक है। मटेरियल की बात करें तो बॉटम जो है इस टाइप से प्रिंटेड बॉटम मिल जाता है आपको। एंड ये कुछ इस टाइप से पैंट है, यहाँ पे आपको पीछे इलास्टिक मिल जाती है, आगे बेल्ट मिल जाती है, कोई भी इसमें पॉकेट नहीं दिए हुए हैं, पॉकेट नहीं है यहाँ पे। एंड ये है दुपट्टा, तो दुपट्टा पहले ओपन करके दिखाते हैं। ये जो इसकी ब्रिथ है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं है, ये थोड़ा आप इसको सिंपल साइड में ले सकते हैं या फिर आप इसको इस टाइप से ले सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो अच्छा है, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा इतना नहीं है कि बहुत ही चौड़ाई में ज़्यादा हो या इस टाइप से, बाकी लेंथ वाइज सब सही है, बढ़िया है। एंड यहाँ पे इस टाइप से ये थोड़ी सी आपको ये मिल जाते हैं, ट्रसल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे ये इस टाइप की आपको प्रिंट वाली जो है बॉर्डर मिल जाता है। तो अगर इसके प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस इसका है 999, ऑलमोस्ट 1000 का है। एंड 1000 में ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो मुझे तो सारे सेट वैसे बहुत ही अच्छे लगे। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।